इसके अंदर सर ऐसे तो नहीं कि जैसे आजकल मोबाइल लाइन में हर गली मोहल्ले में मैकेनिक बैठे होते हैं, इस लाइन में ऐसा तो नहीं होता? एक स्टेट में यदि हम लोग देखें तो आज के टाइम मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, किसी किसी एरिया में तो ये 200 किलोमीटर तक कोई मैकेनिक नहीं है। ओके सर, मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस काम को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा सर। इसके लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ 50,000 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट अगर यहाँ पर आते हैं तो क्या उन्हें कुछ टूल्स भी फ्री में दिए जाते हैं? सर हाँ, यस, इसमें हम लोग 1,000 के करीब जो जैसे मल्टीमीटर, बुक्स जी, नोटबुक हो गई, छोटे छोटे जो टूल्स हमारे डेली उनको लेने और देने पड़ते हैं वो उनको ही दे दिए जाते हैं। ओके समीर, और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको मार्केट की जानकारियां देते रहता हूं और आपके लिए मैं कहीं पर भी चला जाता हूं। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है, दिल्ली से नहीं रहने वाली, दिल्ली से सटे पंजाब से रहने वाली है। तो यहां पर मैं आपको किस लिए लेकर आया हूं, अक्सर आप देखते हैं मैं मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स दिखाता हूं और मोबाइल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट वगैरह दिखाता हूं। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है। वो क्यों रहने वाली है? हर कोई भाई का सपना होता है कि किसी बड़े लेवल पे काम करना, मगर मैं आज आपको ऐसी जगह पर लेकर आया हूं कि बड़ा क्या, उससे भी बड़े लेवल पर आप जा सकते हैं। क्योंकि इस लाइन के अंदर अगर टेक्नीशियन की बात करें, शॉप की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा कम है। ये नया बिजनेस है आपके लिए। और इसके अंदर अगर बिजनेस की बात करें तो टेक्नीशियन की बात करें, जो हमारे भाई मोबाइल से रिलेटेड काम करते हैं, खासकर उनके लिए तो ये रहने वाला है। और जो मोबाइल से रिलेटेड काम नहीं करते, सोच रहे हैं कि यार मैं कुछ नया करने के लिए सोच रहा हूं, तो ये उनके लिए भी रहने वाला है। तो भाई इसके अंदर ये आपको दिख रहे होंगे, यहां पर काफी सारे बोर्ड टाइप के यहां पर दिख रहे होंगे। इसके अंदर काफी छोटी छोटी कंपोनेंट वगैरह लगे हुए और देखने में तो लगते हैं मेरे को ये मोबाइल वाले ही है। क्या इसके अंदर वही यूज होते हैं? चलिए हम सर से बात करेंगे। और आखिर मैं आपको लेकर किस जगह पर आया हूं, चलिए हम सर से बात करते हैं। और कोर्सेज कौन कौन से रहने वाले हैं, कितने टाइमिंग का रहने वाला है, फीस क्या रहने वाली है, पीजी वगैरह का क्या सिस्टम रहने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सर आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे भाइयों को आप अपना नाम बताइए और ये जो मैं आज आप लेकर आया हूं पंजाब में किस जगह पर है वो बताइए सर। थैंक यू सर, वेलकम सर। समीर भाई दिल्ली से हमारे पास आए हैं। मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी पंजाब खन्ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, सर का बहुत धन्यवाद। जो इन्होंने बात कही है कि जो हमारी एकेडमी है, ये पिछले 20 साल से मैकेनिकल में ट्रेनिंग दे रही है और पिछले 13 साल से हम लोग ECM ECU रिपेयर ट्रेनिंग के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं इस फील्ड में 2005 से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम कर रहा हूं, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल प्लस ट्रेनिंग दे रहा हूं। इसके अंदर मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब जो मैकेनिक की ट्रेनिंग भी देते हैं और प्रैक्टिकल खुद काम भी करते हैं, वो मेरा साथ अवतार सिंह जी दे रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों, जैसे समीर भाई ने अभी बात की कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतना बहुत बड़ा फील्ड है, यदि हमारे देश के आधे लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएं, तो हम लोग आने वाले फ्यूचर में एक तरक्की की राह पे चले जाएंगे। जैसे चाइना ने तरक्की की, घर घर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए समीर भाई, बिल्कुल सर। उसी तरह यदि हमारे पास भी स्टूडेंट्स, ये एकेडमी का यही हमारा स्किल को डेवलप करने का एक मोटिव है कि जितने लोगों को हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ला सकें, लाकर आगे जाकर हम लोग काम कर सकें, वो बेनिफिट सभी लोगों तक जाना चाहिए। और इसमें मैं बता देता हूं कि ये हमारी एकेडमी के अंदर हम लोग इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पे ट्रेनिंग देते हैं। इसमें जैसे आपने मोबाइल वाले जो आपके साथी लोग आपको फॉलो करते हैं, आप मोबाइल पे काम कर रहे थे, तो आप जो इसके अंदर सेम जितने भी हमारे कार के मॉड्यूल्स हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल, PCB बोर्ड, ट्रक के मॉड्यूल्स जैसे ट्रक, और ऐसे ही हमारे पास जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये फैक्ट्री का मॉड्यूल है, इंडस्ट्री का, तो ये भी आप लोग रिपेयर कर सकते हो। उसकी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग जो पीरियड है वो है 2 मंथ का और इसकी फीस 50,000 रुपया है। और जो PG का समीर भाई ने बोला था, PG हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सर। बिल्कुल सर, 6,000 रुपया पर मंथ, 3 टाइम का उसमें फूड है,
रहना और खाना बिल्कुल उसमें 6000 में है। ओके, बहुत बढ़िया सर ये था। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे ये होता है इसके अंदर, जैसे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती हैं, जैसे कोई जल जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही इस टाइप से, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं क्या इसमें? हाँ बिल्कुल सर, इस कोर्स के हम जैसे पार्ट वाइज हमारा ये सिलेबस है। ओके, इस सिलेबस के अंदर हमने लिखा हुआ है सबसे पहले वायरिंग, ठीक है, वायरिंग के ऊपर काम करवाया जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे पीसीबी बोर्ड्स हैं इसके इनपुट्स और आउटपुट्स स्टूडेंट्स को उस समय पता चलते हैं जब वो प्रैक्टिकल गाड़ी के ऊपर काम करता है। ओके, जैसे हमने आपको दिखाया था हमने कि कैसे ये वीडियो के अंदर कैसे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल। उसके बाद इसके जो अंदर पार्ट आ जाते हैं जैसे इमोबिलाइजर सिस्टम, ओके, उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है जी। इसके साथ ईपीएस जैसे पावर स्टेयरिंग मॉड्यूल होता है, हाँ जी ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग प्रैक्टिकल करवा देते हैं। ओके, ऐसे ही स्कैनिंग, मतलब कहने का भी 5-6 काम आ जाते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स यदि उसमें 2 भी काम अगर जाकर काम करते हैं तो बहुत ही उनको बेनिफिट, और जल्दी वो आफ्टर ट्रेनिंग 6 और 7 मंथ के अंदर अंदर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा है सर ये तो। हाँ। और इसके अंदर सर ऐसे तो नहीं कि जैसे आजकल मोबाइल लाइन में हर गली मोहल्ले में मैकेनिक बैठे होते हैं, इस लाइन में ऐसा तो नहीं होता सर? अभी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक स्टेट में यदि हम लोग देखें तो आज के टाइम 1, 2, 3, 4 ऐसे होंगे एक स्टेट में। ओके, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं किसी किसी एरिए में तो ये 200 किलोमीटर तक कोई मैकेनिक नहीं है। ओके, और मोबाइल वाले भाई जो हैं टेक्नीशियन भाई सेम वो इसमें गाइडेंस लेकर यदि काम स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, क्योंकि वो पहले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के ऊपर कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सर मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस काम को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा सर। इसके लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ 50,000 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 6 काम हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग देंगे। बिल्कुल सर, उनमें से 2 चूज करने हैं। जैसे सपोज कीजिए ये मीटर है, डिजिटल मीटर। जी सर, ये आपको 2-व्हीलर से लेकर ट्रक्स तक ये मीटर मिलेगा डिजिटल। ओके बिल्कुल सर, तो ट्रक इस पे काम करने के लिए 50,000 भी यदि है आपके पास तो सफिशेंट है। Okay. आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप लोग ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पे जाना चाहते हो तो आप 1,00,000 से काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यदि हमारे पास जैसे हमारे भाई जो काम कर रहे हैं मोबाइल का, उनके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी हम लोगों को कंपोनेंट चेक करके भी हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, मतलब इसके अंदर कम पूंजी के अंदर इस काम को स्टार्ट किया जा सकता है। यस, क्योंकि अगर मोबाइल लाइन की बात करें, अगर जैसे फ्रंट गिलास ये टूट जाता है तो उसके लिए अगर हम YMJ मशीन भी परचेज करते हैं तो 95,000 के आसपास वो मशीन आती है, उसके अलावा खर्चा अलग से आता है और ज्यादा। मगर इसके अंदर जैसे हमें सर ने बताया कि कम खर्चे के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। इस कोर्स को करने का क्या बेनिफिट रहने वाला है मैं खुद बताता हूं आपको। अगर आज की बात करें, अगर मैं कोई भी बाइक परचेज करता हूं, देखो बाइक के अंदर भी ECM लग रहा है, और अगर कार की बात करें तो कोई ऐसी कार नहीं है जिसके अंदर ECM ना लगे। इसके अलावा आजकल जो हमारे ई व्हीकल जितने भी आ रहे हैं सब सारे के सारे इसी से कंट्रोल होंगे, ऐसे कोई भी नहीं आ रहा कि आजकल कोई नॉर्मल आ जाए। तो सर ई व्हीकल वगैरह जो आ रहे हैं आजकल, जो कारें आ रही हैं, क्या वो भी कवर होता है सर? बिल्कुल सर, क्योंकि मेन हमारे पास जो पार्ट्स हैं, देखिए हाँ जी सर, पार्ट्स वही रहेंगे। ओके, कंपोनेंट्स वही 12 से 15 तक कंपोनेंट्स जो हैं जी वो वही रहेंगे, चाहे वो ईवी में लगे हुए हैं, कार में, पेट्रोल में, डीजल में, ट्रक में, अर्थ मूविंग मशीन में, या हमारे फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं SMD वो आपको ईवी में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है ईवी के अंदर। ओके, हाँ, इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद। बिल्कुल सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा छोटा सा। सर एक चीज़ बताइए, हर कार को तो एक क्लास में लाना मुमकिन नहीं है, ठीक है जी, तो अगर कोई हमारे पास ये ECM रिपेयर होने के लिए अगर आ जाता है तो इसको हम लाइव प्रैक्टिकल में स्टूडेंट को कैसे बताएंगे इसके लिए? चेक करना सर। ओके सर, ऐसे है, अभी हम लोगों ने जब काम स्टार्ट किया था उस समय हम लोग वायरिंग रखते थे। जी सर, कार की वायरिंग यदि 200 किलोमीटर से ECM रिपेयर करने के लिए आया तो वायरिंग पे चेक किया जाता था। बिल्कुल सर, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी 2 साल से ऐसे मेक इन इंडिया टूल्स बना चुके हैं
बहुत से इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं, तो उस टूल के हेल्प से हम लोग टेबल के ऊपर ECM को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। ओके, हाँ जी बिल्कुल। हमारे पास अपने खुद के टूल्स भी मैन्युफैक्चर किए हुए हैं और दूसरे जिन लोगों ने बनाए उनके टूल भी हम लोग सेल करते हैं। बिल्कुल सर। और उसका प्राइस, ये मैं आपके बीच में दी, तो दी। प्राइस जो है 50,000 से वो टेस्टर का स्टार्ट हो जाता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आप जैसे चाहते हो वैसा वो प्राइस आपको मिल जाता है। बिल्कुल सर। हाँ तो सर एक चीज़ और बताइए मुझे, इसके अंदर क्या आजकल यहाँ तो मैं कम देख रहा हूँ, हमारे दिल्ली के अंदर तो बहुत है ई रिक्शा वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, ये सर कवर होंगे ये ई रिक्शा? बिल्कुल 100%। आपको मैंने ई रिक्शा का मॉडल दिखाया भी है जी, स्टूडेंट्स को उसको खोल कर भी दिखाया जाता है। ओके, ई रिक्शा के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनका काम क्या है, उनको चेकिंग कैसे करनी है, उनकी पहचान क्या है, मल्टीमीटर के साथ टोटल उस पर काम करवाया जाता है। ये कवर होंगे जैसे टू व्हीलर के मॉड्यूल्स और ई रिक्शा के मॉड्यूल्स, ये इसमें कवर हो जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। तो भाई इसके अंदर देखो काफ़ी सारे कोर्सेज आपके आ गए, अगर आपकी तरफ ई रिक्शे का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो वो भी आ गया कोर्स, ये तो आप हर जगह पर होता ही है। इसके अलावा भी चलिए क्लासेस वगैरह वाली बात है, मैं आपको कुछ क्लासेस वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि सर की एक क्लास नहीं है, सर की 3-4 क्लास यहाँ पर हैं और 3-4 क्लास में किस किस टाइप से काम सिखाया जाता है और लाइव गाड़ी के ऊपर किस तरह से स्कैनिंग करी जाती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। आप वीडियो पर इसी तरह से बने रहें, अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे कुछ चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज से वो रह जाएंगी। तो गाइस चलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ किस तरह से स्टूडेंट को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं पंजाब अभी फिलहाल नहीं आ सकता, इस कोर्स के बारे में मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए और ज़्यादा किस तरह से इसको किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें ये होती हैं, किस तरह से कवर करते हैं, तो सर से हम जानते हैं। तो सर एक चीज़ बताइए, कई भाई ऐसे होंगे जो अभी डायरेक्ट हो सकता है इस वीडियो देखकर नहीं आए, वो अपनी शॉप पे बैठे हुए कुछ अगर सीखना चाहते हैं किस तरह से, तो कुछ उस तरह से कर रहे हैं अपने? हाँ जी यस, ऐसे है सर। इसके अंदर हमारे जो इंस्टीट्यूट में जो बुक्स है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये इंडिया की फर्स्ट बुक्स है ओके इस टॉपिक के ऊपर। ओके, जो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ये 2 बुक्स हैं। ओके, यदि हमारे भाई जो मैकेनिक टेक्नीशियन जो हैं जो मोबाइल का काम कर रहे हैं वो यदि नहीं भी आना चाहते, इंटेलिजेंट बहुत है काम कर रहे हैं बिल्कुल सर, लेकिन आना काम छोड़ना उनको बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए हमारे ये इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक्स हैं। ये हिंदी भाषा में, इंग्लिश में और पंजाबी में मिलती हैं, ठीक है। तो ये बुक को आप परचेज करके आगे बढ़िया काम कर सकते हो, इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग की नॉलेज है और इस बुक के अंदर ECM के अंदर लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, पूरा मतलब जो हमारा कोर्स है बिल्कुल सर, जेन्युइन ईमानदारी के साथ वो इस बुक में आपको मिलेगा। बिल्कुल, ये बुक परचेज करके भी आप काम वहाँ स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और जब स्टूडेंट अगर यहाँ पर आते हैं तो क्या उन्हें कुछ टूल्स भी फ्री में दिए जाते हैं? सर हाँ यस, इसमें हम लोग 1,000 के करीब ओके जो जैसे मल्टीमीटर, बुक्स जी, नोटबुक हो गई, छोटे छोटे जो टूल्स हमारे डेली उनको लेने और देने पड़ते हैं वो उनको ही दे दिए जाते हैं। ओके हाँ, जैसे मल्टीमीटर और ट्वीज़र ऐसे छोटे मोटे टूल्स होते हैं जिनकी कॉस्ट 1,000 के करीब हो जाती है, वो उनको दे दिए जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो आपको पूरी नॉलेज मिल गई, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, LED TV का काम करते हैं या किसी भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इस टाइम पे थोड़ा काम नहीं है, मैं थोड़ा काम चेंज करने के लिए सोच रहा हूँ, तो आप काम चेंज करने के लिए इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बुक सर ने जैसे बताया 3 लैंग्वेज के अंदर आती है, इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इसकी बात करें तो ECM के लिए हो जाएगा और दूसरी की बात करें तो ये हो जाएगी वायरिंग के लिए। तो चलिए मैं फटाफट से इन बुक को एक तरफ यहाँ पर यहाँ रख देता हूँ और मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, सर की जो क्लासेज हैं मैं आपको अच्छे से वो दिखा देता हूँ किस किस तरह से यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ एक रूम या एक क्लास के अंदर, लाइव अगर गाड़ी के ऊपर अगर प्रैक्टिकल के किस तरह की क्लास होती है चलिए वो भी हम देख लेते हैं।